بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان وقال كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم माइक वाले जनाब, दुनिया का अन्न का गरीब। अरे माइक वाले जहां भी हो यहां पर आ जाएं स्टेज पर जल्दी से। माइक वाले स्टेज पर जल्दी से आ जाएं जहां भी हो। पैसे की छिड़काने करो पर एक मर जाना पड़ा 9000 पर। कुन फि दुनिया का अन्न का गरीब औ आबिर सबील صدق الله ورسوله النبي الكريم। आखिरत की फिक्र करनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। जिंदगी एक दिन गुजरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज साथियों, आज की इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान वो चीज है जिस पर सारी दुनिया के लोग मुत्तफिक हैं। जो भाई को बहन से और बहन को भाई से जुदा कर देती है, जो बच्चों को माँ बाप से और माँ बाप को बच्चों से अलहदा कर देती है, जो सच्चे दोस्तों के दरमियान में गम का पहाड़ खड़ा कर देती है, जो समंदरों के मोजों में भी आ जाती है और जंगलों के सन्नाटे में भी आ जाती है, जो कोठी बंगले और महफूज किलों में भी आ जाती है और आसमान में उड़ते हुए रॉकेट और जहाजों में भी आ जाती है, ना उसकी पकड़ से बड़े बड़े मनसब और ओहदे वाले महफूज हैं, ना ही अमीर और दौलतमंद उससे बचे हैं। रात के अंधेरे और दिन के उजाले उसके लिए बराबर हैं, ना उसे चांद जैसी हसीन और खूबसूरत चेहरों पर तरस आता है और ना ही दारा सिकंदर और रुस्तम जैसे पहलवानों की ताकत से वो खौफ खाती है। प्यारे दोस्तों, आलिम हो या जाहिल हो, मुस्लिम हो या काफिर हो, वो सब की ताक में रहती है। बड़े बड़े साइंसदान डॉक्टर और माहिरीन फन पर उसकी नजर है। न जाने कितने घरों को उसने उजाड़ा और बर्बाद किया है और न मालूम कितने प्लान और मंसूबे उसके सामने फेल हो गए हैं। बड़े बड़े सूरमाओं को उसने ठिकाने लगा दिया है, नमरूद की बादशाह और कारून की दौलत उसने खाक में मिला दी है, हलाको चंगेज खान जैसे जालिमों को भी उसने नहीं बख्शा, मूसा जैसे कलीमुल्लाह और अय्यूब जैसे साबिर को भी उसने नहीं छोड़ा, इब्राहिम जैसे खलीलुल्लाह और इस्माइल जैसे ज़बीहुल्लाह को भी उसने नहीं छोड़ा, हत्ता के हबीबुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी वो हाजिर हुई। जी हाँ, यही वो चीज है जिसे हम और आप मौत कहते हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है, ये दुनिया दार फानी है, जो आता है सो जाता है। ये दुनिया दार फानी है, जो आता है सो जाता है, न इसमें अंबिया ठहरे न इसमें औलिया ठहरे। प्यारे दोस्तों, मौत अल्लाह का अटल फैसला है। कुरान करीम में खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान, जो कोई जमीन में है फना होने वाला है, और फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो वो जरूर जरूर आपसे मुलाकात करेगी। अयनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी हो मौत तुमको पकड़ लेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों में क्यों ना हो, आसमान में उड़ते हुए रॉकेट और जहाजों में क्यों ना हो, मौत जरूर जरूर आपसे मुलाकात करेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, इस दुनिया में जो आया है उसे जाना है। इस दुनिया में बहुत से इंसान आए मगर सब चल बस
बसे, बहुत से अमीर आए बहुत से गरीब आए सब चल बसे, बहुत से मुहद्दिस आए बहुत से फकीह आए सब चल बसे, बहुत से बादशाह आए बहुत से वजीर आए सब चल बसे, बहुत से मुबल्लिग आए बहुत से इमाम आए सब चल बसे, बहुत से लखपति आए करोड़पति आए, बहुत से अरबपति आए खरबपति आए सब चल बसे। यूसुफ जैसे हसीन और इस्माइल जैसे फरमा बरदार इस दुनिया में ना रहे, उमर जैसे फाते और अबू बकर जैसे सिद्दीक इस दुनिया में ना रहे, अलगर्ज जो भी इस दुनिया में आया है बाकी ना रहा। किसी ने सच कहा है, मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मौत की तैयारी करें, क्योंकि दुनिया हमारे वास्ते मुस्तकिल नहीं बल्कि मुसाफिर खाना है। शहंशाह दो जहां ने इरशाद फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी आराम चलता मुसाफिर। एक शख्स ने हुजूर से पूछा कि सबसे ज्यादा समझदार कौन है, तो आपने फरमाया कि जो शख्स कसरत से मौत को याद करता है और उसके लिए हर वक्त तैयार रहता है। एक मर्तबा हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत ने पूछा कि आपकी उम्र तमाम नबियों से ज्यादा हुई है, आपने दुनिया को कैसा पाया? जवाब दिया, मैंने दुनिया को और इतनी लंबी उम्र को ऐसा महसूस किया कि जैसे किसी मकान के दो दरवाजे हों, एक से दाखिल हुआ और दूसरे से बाहर निकल गया। किसी शायर ने कहा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने कि मामूर थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, उठे नामियों के निशा कैसे कैसे, हुए नामवर बे निशा कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, उसी से सिकंदर सपा तह बिहारा, पड़ा रह गया सब यही ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जान है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने परसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगा बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जान है तमाशा नहीं है, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, खुजीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ए इंसान जरा सोच और मौत की तैयारी कर, हो सकता है इस साल या इस महीने या इस हफ्ते मरने वालों में तेरा नाम लिखा जा चुका हो सकता है तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हो सकता है तेरे सीने में उतरने वाली गोली बाजार में आ चुकी हो सकता है जिस कोठी बंगले में तू रहता हो वो जलजले से तबाह हो बर्बाद हो जाए, हो सकता है जिस कार या मोटर गाड़ी में तू सवार हो वो हादसे का शिकार हो जाए, हो सकता है जिस कोठी बंगले में तू रहता हो वो जलजले से तबाह हो बर्बाद हो जाए, हो सकता है तू सही सालिम होने के बावजूद हार्ट अटैक से तेरा खात्मा हो जाए, हो सकता है तेरे कफन का कपड़ा दुकान पर आ चुका हो सकता है मौत धीरे धीरे तेरे मकान की चौखट पर आ पहुंची हो। जी हाँ किसी ने क्या ही खूब कहा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सो बरस का पल की खबर नहीं, मगर है इंसान तू मौत से बेखबर है, तेरी जिंदगी मुख्तसर है, मगर तेरे प्लान और मंसूबे इतने लंबे हैं कि अगर उम्र नूह मिल जाए तो तेरे प्लान पूरे ना हो। ए मुसलमानों, मौत की तैयारी करो, वरना याद रखो एक दिन वो होगा एयर कंडीशन और नरम नरम गद्दों और बिस्तरों पर सोने वाले मट्टी पर सो रहे होंगे, रोजाना कपड़े बदलने वाले हजारों मन गार में पड़े होंगे, साबुन से नहाने वालों पर धूल जमी होगी, इतरा कर रगड़ कर चलने वाले आजिज और बेबस होंगे, तकब्बुर के बोल बोल
बोलने वाले खामोश पड़े होंगे। जी हाँ, मौत के बाद कब्रिस्तान में यही हाल होगा, मगर अफसोस सद अफसोस कि आजकल हमने कब्रिस्तान को भी मेला बना लिया है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो इंसान बगैर नेक अमल के कब्र में जा रहा है, उसे समझना चाहिए कि दरिया में बगैर कश्ती के जा रहा है, कि अब डूबने के सिवा कोई चारा नहीं। हजरात, एक मर्तबा उमर बिन अब्दुल अजीज एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाते हैं। कब्रिस्तान में जाकर एक जगह अलग बैठकर सोचने लगते हैं। कहा जाता है, अमीरुल मोमिनीन, आप तो इस जनाजे के वली और जिम्मेदार हैं, अलग बैठने की वजह क्या है? तो आप फरमाते हैं, मुझे कब्र ने आवाज दी है, वो मुझसे कहती है, ए उमर बिन अब्दुल अजीज, तू मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं आने वाले के साथ क्या मामला करती हूँ? मैंने उससे कहा बताए, तो वो कहती है कि मैं आने वाले का कफन फाड़ देती हूँ, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, कंधों को बाजू से जुदा कर देती हूँ, कलाइयों को पंजों से अलग कर देती हूँ, पिंडलियों को घुटनों से और रानों को सुरीनों से अलग कर देती हूँ। ये कहकर उमर बिन अब्दुल अजीज रोने लगते हैं। ए मुसलमानों, मौत बिल्कुल यकीनी है और मौत के बाद का सफर बड़ा मुश्किल है, लिहाजा मौत की तैयारी करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मूतु कबल अन तमूतु, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। सय्यिदुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखरत की फिक्र में इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की दाढ़ी में जब बाल सफेद हुए तो आईना देख कर रोने लगे और फरमाया कि मौत की निशानी आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, राजी साथियों, 32 साल की उम्र में सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने पूरी दुनिया को फतह कर लिया। मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक उसकी हुकूमत का झंडा लहराता था। और जब उसकी मौत का वक्त आता है तो अपने खादिमों को बुलाकर एक नसीहत करता है और कहता है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे तन बदन से मेरी रूह निकल जाए, गुसल के बाद मुझे कफन पहना दिया जाए, तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। तो खादिम लोग ये नसीहत सुनकर अर्ज करते हैं कि बादशाह सलामत, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे कि आपके दोनों हाथ कफन से बाहर देखकर दुनिया के लोग ताना देंगे और कहेंगे कि बड़ा ही लालची बादशाह है, पूरी दुनिया पर हुकूमत के बावजूद मरने के बाद भी लालच के हाथ फैलाए हुए हैं। तो सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया कि मेरी इस नसीहत का मतलब ये है कि सारी दुनिया इस बात को जान ले कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है और उसके साथ जाने वाली चीज सिर्फ आमाल है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कहना चाहता हूँ, मौत आते ही सारी दुनिया छूट जाएगी, कोई चीज काम न आएगी, न औलाद काम आएगी, न रिश्तेदार काम आएंगे, न दुकान काम आएगी, न मकान काम आएंगे, न कारखाने काम आएंगे, न फैक्ट्रियां काम आएंगी, न दोस्ती काम आएगी, न तिजारत काम आएगी, न होशियारी काम आएगी, न चालाकी काम आएगी, अलगर्ज सारी दुनिया छूट जाएगी और बस आमाल काम आएंगे। जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा का जनाजा जब कब्र में उतारा जाता है तो अबू ज़र ग़फ़ारी कब्र को मुखातब बनाकर कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे मालूम है कैसी पाक जात और बड़ी हस्ती को लेकर हम तेरे पास आए हैं? ये सय्यिदुल अंबिया की बेटी है, शेर खुदा हजरत अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, यानी फातिमतुज़्ज़हरा है। तो कब्र को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान अता फरमाई और जवाब आता है, ए अबू ज़र, मेरे यहाँ हसब व नसब नहीं देखा जाता, मेरे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये किसकी बेटी है और ये किसकी बीवी है और ये किसकी माँ है, मेरे यहाँ सिर्फ आमाल देखे जाते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तकरीर को इशार से ख़त्म करता हूँ, आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर, आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर, जिंदगी एक दिन गुजरनी है ज़रूर, कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।